पीके जो है नाक सीधा नहीं पकड़ रहे हैं, घुमा के पकड़ रहे हैं। ये बदलाव के नाम पे ये फिर से जातीय वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं। जो आरक्षण बिहार में बढ़ा 65% बढ़ाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर खारिज कर दिया, तो उस पर इसका एक लाइन नहीं है। ये बदलाव की बात करता है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में अपने जाति के हिसाब से काम कर रहा है। हजारों साल से हमने ब्राह्मणों को खास करके सब कुछ दिया, सम्मान दिया, पंडित जी प्रणाम बोला, लेकिन रिटर्न में हमको क्या मिला? बैकवर्डों को रिटर्न में मिला क्या? मिला झाड़ू और मटका। जब उसके पूर्वजों ने हमें न्याय नहीं दिया तो हम उस पर फिर विश्वास क्यों करें? मैं 9वीं फेल बोल दूंगा इसी बात पे तो बुरा लग जाएगा उनको, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे अधिक पढ़े लिखे जगदेव बाबू थे, आपसे अधिक पढ़े लिखे लालू यादव थे, जिन्होंने लाइन लेके बैटिंग किया, अगड़ा पिछड़ा किया, पीडीए किया, अखिलेश यादव से पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, और आप A to Z के चक्कर में, किसके चक्कर में A to Z बोलते हैं ये हमें समझ में नहीं आते। जब इनके नेताओं से आप पूछिए A to Z का मतलब क्या होता है, बताएंगे कि मधु मिले, क्या क्या नाम लेते हैं, ये JP हुए, लोहिया हुए, सवर्ण थे, लेकिन बैकवर्डों की बात करते थे। मुन्ना शुक्ला कौन सा बैकवर्ड की बात करता है, बहुजन की बात करता है, आइडियोलॉजी की बात करता है, ऐसे ऐसे आनंद मोहन बेटा टिकट देते हैं। विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको बता दें कि जो जन स्वराज पार्टी है वो भी बन चुकी है, प्रशांत किशोर लगातार एक्टिव है, 2 साल से पद यात्रा भी कर रहा है, बिहार को बदलने की चाह है उनके अंदर, इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पत्रकार है रवि जी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ लगता है बदलाव की उम्मीद लेके आए हैं प्रशांत किशोर? सारे लोग आते हैं बदलाव की उम्मीद को ही लेके। मोदी जी को 14 में देखिए कितना बदलाव की बात कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, तमाम तरह के सपने दिखा रहे थे, तो उसी का एक छोटा पैकेट है आया है, सपना दिखा रहा है सबको, तुम तराक करता, इसलिए हम भी उसको तुम तराक में ही बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब इसके सपोर्टर से मिलिए या इनका बयानों को आप देखिए, ये कहते हैं कि पिछले 35 साल में बिहार को बर्बाद कर दिए हैं नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी। तो मेरा सवाल यह है कि उससे पहले क्या स्वर्णिम काल था? उनके सपोर्टर से आप पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ स्वर्णिम काल था। स्वर्णिम काल उस वक्त सवर्णों के लिए था, क्योंकि वह बैकवर्डों को नीचे बैठने देता नहीं था, बराबर में खटिया बैठने देता नहीं था, तो उसका जो उसका जातीय दंभ था उसकी पूर्ति हो रहा था 90 से पहले। अब उसके दंभ को तोड़ दिया लालू यादव जी ने, उन्होंने जो है बराबरी का जो कंसेप्ट है उसको लागू किया, बाबा साहब के कंसेप्ट को लागू किया, तो इससे इन लोगों को तकलीफ तो है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको आप ये नाक सीधा नहीं पकड़ रहे हैं, घुमा के पकड़ रहे हैं, ये बदलाव के नाम पे ये फिर से जातीय वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हजारों साल से हमने ब्राह्मणों को खास करके सब कुछ दिया, सम्मान दिया, पंडित जी प्रणाम बोला, मींस सत्ता उनके हाथ में रही डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से, राजा कोई होता था उसके सलाहकार ब्राह्मण ही हुआ करते थे, लेकिन रिटर्न में हमको क्या मिला? बैकवर्डों को रिटर्न में मिला क्या? हजारों हजार साल की मैं बात कर रहा हूँ, मिला झाड़ू और मटका, मिला उसको जमीन से बेदखली, अभी भी नाला पर हम जीने को मजबूर हैं, कहीं ना कहीं उसका उसी का दंश है वो। हजारों साल से हमने उन पे विश्वास किया लेकिन उन्होंने हमको धोखा दिया। हजारों साल पहले की बात, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, ये उन्हीं का अग्रज है, ये उसी का अग्रज है। जब उसके पूर्वजों ने हमें न्याय नहीं दिया तो हम उस पर फिर विश्वास क्यों करें? यदि दलित बैकवर्ड पिछड़ा 90% की यदि हक हिस्सेदारी की बात होगी तो वो हमारा आदमी ही कर सकता है। बाबा साहब को मैं कोट करना चाहता हूँ, आप इंग्लिशन ऑफ कास्ट जाके पढ़िए, उन्होंने स्पष्ट तौर पे गांधी जी से उनका डिबेट था, जिस गांधी जी का ये तस्वीर लगा के घूम रहा है, गांधी जी चाहते थे कि जातीय व्यवस्था बनी रहे, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, ऊंच नीच बना रहे, ये सामाजिक समाज में उत्थान के लिए जरूरी है, फिर धोबी जो है कपड़ा कौन साफ करेगा? ये बाबा साहब का ये गांधी जी का स्टेटमेंट हुआ करता था। बाबा साहब ने उनका काट किया कि नहीं जाति को तोड़ना होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सवर्ण, कोई भी अपर कास्ट जो जाति का प्रिविलेज ले रहा है वह जाति को नहीं तोड़ेगा, यदि वो हमारे बीच में भी आएगा तो अपने जातीय व्यवस्था या फिर अपने दम्भ को या फिर अपने हित की रक्षा करते हुए हमारी बात बोलेगा वो। तो हमारा कहना यह है कि एक ब्राह्मण है, पहली बात हम उसके हाथ में बैकवर्ड लोग सत्ता क्यों देंगे या फिर उसको हम वोट क्यों देंगे? ब्राह्मण के घर में पैदा ही हो गए तो क्या ब्राह्मण को राजनीति करने का हक नहीं है? क्या बैकवर्ड में नेता नहीं है? ब्राह्मण का नेता बने, वो 10% का नेता बने, उसका वोट ले। हम बैकवर्ड लोग जो हजारों साल से उनके पूर्वजों पे उसके वंशजों पे हमने विश्वास जताया, उसने हमको धोखा दिया, तो फिर एक बार हम क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे? क्योंकि जात पात से अलग उठ के ही बात कर रहे हैं ना, दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, जात पात से ऊपर उठ के बात करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, यह देश कृषि प्रधान देश नहीं है, यह देश जाति प्रधान देश है। जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, जीवन से लेकर मरण तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जात पात जातीय व्यवस्था के हिसाब से कर्मकांड करता हो, अपने बेटी का बहन का शादी करता हो अपने जात में, वो जाति छोड़ देगा,
चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में अपने जाति के हिसाब से काम कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिए, कोई आदमी जाति उती नहीं छोड़ रहा है उसमें, खास करके वो जो प्रिविलेज लिया हो। हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमको प्रिविलेज तो है नहीं, हम तो जाति के नाम पे बर्बाद हुए हैं, तो हम जाति छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आदमी जो जाति का प्रिविलेज लिया हो वो कभी जात नहीं छोड़ेगा। हम विश्वास ही उस पर क्यों करें ये बताइए आप, कोई कारण होगा ना। हमने जिसने हमको बर्बाद किया उसके अग्रजों पे हम विश्वास क्यों करें, बैकवर्ड क्यों उसको वोट दे। यदि नीतीश, सुनिए, यदि नीतीश कुमार अच्छे नहीं है, यदि तेजस्वी जी अच्छे नहीं है, तो हम किसी और बैकवर्ड को देंगे, खड़ा करेंगे, हम फॉरवर्ड को क्यों खड़ा देंगे वोट, ये बताए, उस पर हम विश्वास क्यों करेंगे। आपने हजार बार मेरा दिल तोड़ा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे, तो फिर हम उसी व्यक्ति से जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया उसी के यहाँ क्यों जाएं, ये सवाल है। मैं बहुजनों से अपील करना चाहता हूँ, ये बहुरूपिया आया है आपको भरमाने के लिए। इसके पास जो आरक्षण बिहार में बढ़ा 65% बढ़ाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस खारिज कर दिया, तो उस पर इसका एक लाइन नहीं है, आप यहाँ से समझिए ना। ये बदलाव की बात करता है, बिना 90% के जीवन स्तर में बदलाव हुए क्या इस देश में, इस बिहार में बदलाव हो सकता है क्या? सिंपल सी बात है, जब तक सभी को जमीन नहीं मिलेगा, सबके सब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे सबके बच्चे, जब तक जो है सबको सम्मान नहीं मिलेगा समाज में, जातीय वर्चस्व खत्म नहीं होगा, हम किसी को पूजनिया क्यों बोलेंगे? ब्राह्मण ही पूजनिया है, क्यों पूजनिया ब्राह्मण भाई, और यादव पूजनिया नहीं है, और कोई राष्ट्र पूजनिया नहीं है, कुर्मी पूजनिया नहीं है, हर व्यक्ति पूजनिया है। तो ये जो मानसिकता है कि ब्राह्मण है पंडित जी पूजा करिए, ये जब तक मानसिकता रहेगी, कोई ऊंच नीच की मानसिकता रहेगी, गैर बराबरी रहेगी, तब तक यह देश खूबसूरत नहीं हो सकता है। ये जिस कंसेप्ट पे बात कर रहा है, इससे इनसे पूछिए आरक्षण को लेके, इनसे पूछिए कि EWS का कट ऑफ कम क्यों जाता है, इस पे कभी बोला आज तक? ये कभी नहीं बोलेगा। ये पलायन की बात करता है, मैं बताता हूँ पलायन का असली मतलब क्या होता है। पलायन लोगों ने क्यों किया बिहार से? बिहार में जातिवाद उच्च स्तर पे था 90 से पहले, हजारों साल से, और उसका वजह यह रहा है कि उनको जमीन नहीं मिली दलितों को। जमीन आज भी 60% लोगों के पास, जिसमें 99% दलित समाज के लोग आते हैं, बैकवर्ड समाज के लोग आते हैं, SC ST OBC के लोग आते हैं, उनके पास आज भी ज़मीनें नहीं हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, बिहार में रह के मर जाएगा क्या? तो उसने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो मजदूरी करने के लिए चला गया बाहर। क्यों गया? क्योंकि उसके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन था, मजबूर था, मजदूर था, तो वो कुछ तो कुछ करेगा, तो बाहर जाके, चूंकि देश सबका है तो जाके काम करना। इसके पीछे भी जात पात की जो व्यवस्था है, जात के जो व्यवस्था है, यही कारण है असली कि हमने 90% लोगों को बिहार में, 90% लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा हजारों साल से, उसको इतना नेस्तनाबूद कर, इतना बर्बाद कर दिया, इतना मजबूर कर दिया, वो बाहर जाके कमाने के लिए वो विवश है। पर वो तो लालू नीतीश को जिम्मेवार ठहराते हैं कि मजदूर का फैक्ट्री बना दिए बिहार को। बिहार को, उससे पहले क्या ये कौन सी फैक्ट्री था? ये सोना का फैक्ट्री था बिहार, यहाँ पे हीरा उगलता था बिहार, जाति पात था, जात पात था, और वो कम हुआ है भाई। आप जो रेशियो देखिएगा ना, जो 90 से पहले हर घर में मजदूर बाहर जाते थे, अब तो धीरे धीरे करके यहाँ सड़कें बनी, बहुत तरह का काम हुआ नीतीश जी के शासन में। मैं दो तीन चीज़ से असहमत हूँ, शिक्षा व्यवस्था से असहमत हूँ, बिल्डिंग तो आपने बना दिया है लेकिन अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई होनी चाहिए इस बिहार के सरकारी स्कूल में, कैमरे लगने चाहिए हर क्लास में, पढ़ाई जो है इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, तो वहाँ पे नीतीश जी पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी पे तो ध्यान देंगे प्रशांत किशोर, कह रहे शराबबंदी खत्म करेंगे, जो भी पैसा आएगा उसको शिक्षा में लगाएंगे, मतलब सोच तो है उनकी, शराब और शिक्षा को कंपेयर कर रहे हैं वो, बताइए, मतलब आपको दारू पिला दिया जाए, आज दारू बंदी से कितना लाभ हुआ है। ठीक है, कुछ लोग गड़बड़ी करने वाले होते हैं, हर जगह पे होंगे, है ना, क्राइम नहीं करना है नियम है, लेकिन लोग क्राइम करते हैं, उसी प्रकार से दारूबंदी से कितना फायदा हुआ है। गांव में जाके लड़कियों से, महिलाओं से जाके पूछिए, मतलब हमें उजाड़ के आप शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे शिक्षा देने में क्या दिक्कत है? मैं तो हर सरकार कहता हूँ पूरे देश में कि शिक्षा प्रायोरिटी में होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, केजरीवाल ने करके दिखाया है, आप लोग करिए। अब मैं बात करता हूँ तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव में कुछ कमियाँ हैं जिसकी वजह से ये लोग फायदा ले रहे हैं। मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही रहे हैं, जगदेव बाबू इस देश में आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब आपसे अधिक पढ़े लिखे हैं, वो A to Z की बात नहीं करते थे, वो 90% की इसलिए बात करते थे क्योंकि 90% लोगों को दबा के बर्बाद कर दिया गया। 10% ने, मान लीजिए एक रोटी है ना, 100 रोटी है, तो 10 रोटी को 90 लोगों में बाँट दिया गया, उसको रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी नसीब नहीं हो पाया, और 90 रोटी को 10 लोग खाते रहे सब दिन। जब तक वो जो 100 रोटी है सबको एक एक करके नहीं बांटेंगे, तब तक तो बराबरी नहीं आएगी। इसके लिए हमको 90% लोग को जो छोटा टुकड़ा मिल रहा है रोटी का, वो पूरा रोटी में कैसे तब्दील हो, उसकी तो बात करनी पड़ेगी हमको। हम सबकी बात कैसे कर सकते हैं? वो तो 90 रोटी खा रहा है, उसके खिलाफ ही बात करना पड़ेगा, और ये A to Z की बात करते हैं।
जब इनके नेताओं से आप पूछिए ट्विटर के मतलब क्या होता है, बताएंगे कि मधु मिले क्या क्या नाम लेते हैं, ये जेपी हुए, लोहिया हुए, सवर्ण थे लेकिन बैकवर्डों की बात करते थे। मुन्ना शुक्ला कौन सा बैकवर्ड की बात करता है, बहुजन की बात करता है, आइडियोलॉजी की बात करता है, ऐसे ऐसे आनंद मोहन की बेटा टिकट देते हैं। ये सब इनको ठीक करना होगा, कथनी और करनी में फ़र्क को मिटाना होगा। लालू जी बड़े पढ़े लिखे राजनीतिक गुरु, एक तरह से मैं समझता हूँ कि भगवान मैं मानता हूँ उनको बैकवर्डों के लिए। छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स को, उनका जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी की वजह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली है इस बिहार में। वो भगवान है उसके लिए, मैं उस इंसान को भगवान मानता हूँ जिसे हम लोग इंसान कहते हैं। यदि लालू जी इंसान है बैकवर्डों के लिए तो भगवान है हमारे लिए। तो मेरा कहना वही है कि ये सब आप परिपाटी को छोड़िए, लाइन लेके बैटिंग करिए। आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है भाजपा क्या करती है। भाजपा 10 मुस्लिमों को राइट टिकट विकट नहीं देती है, है ना, क्योंकि उसको भी पता है वोट नहीं मिलेगा, उसको भी पता है हमको उसके खिलाफ बोलेंगे तो हमको पॉलिटिकल मुद्दा हो गया ना। तो यही आपको देखिए दो विचारधारा है इस देश में, एक ब्राह्मणवाद की है, एक अम्बेडकरवाद की है। तो आपको लाइन लेना पड़ेगा ना भाई साहब। मैं 9वीं फेल बोल दूंगा इसी बात पे तो बुरा लग जाएगा उनको, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे अधिक पढ़े लिखे जगदेव बाबू थे, आपसे अधिक पढ़े लिखे लालू यादव थे, जिन्होंने लाइन लेके बैटिंग किया, अगर आप पिछड़ा किया पीडीए क्या, अखिलेश यादव से पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, और आप A to Z के चक्कर में, किसके चक्कर में A to Z बोलते हैं ये हमें समझ में नहीं आते। यदि ये A to Z करेंगे किस तरह से लोग आएंगे, लोगों को गुमराह करके ले जाएंगे, क्योंकि हमको जहाँ हित दिखेगा हमारा, हर व्यक्ति अपने हित की बात करता है, तो हमारा हित, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा हित लालू यादव की पार्टी तय कर सकती है, साध सकती है, या फिर जदयू कर सकती है, या ये दोनों नहीं करेंगे तो तीसरा विकल्प आएगा, लेकिन तो नहीं हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। हाँ। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसको हजारों साल सत्ता दिया, उसने हमको बर्बाद किया, फिर एक बार हम क्यों उस गड्ढे में जाके गिरे। जनता भी चाहती है क्योंकि लालू जी जो है भाजपा का डर दिखा के वोट लेते हैं, भाजपा लालू जी का जंगल राज दिखा के वोट लेती है। 10% जनता चाहती है, एकदम सही बोले आप, 10% जनता चाहती है कि एक बार फिर से जो पिछड़ा का राज है 35 साल से वो खत्म हो जाए और फिर से ब्राह्मण राज स्थापित हो जाए, जैसे उनके मुख्यमंत्री के लगातार हुए ना, 17-18 मुख्यमंत्री हुए हैं आज़ादी के बाद 90 तक में, और उन लोगों ने बैकवर्डों के लिए क्या क्या, सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या किया, इतने बड़े राजा महाराजा सब गिनाता है, महाराणा प्रताप ये हुए वो हुए, भाई उन लोगों ने जाति व्यवस्था क्यों नहीं खत्म किया। ये कहते हैं राम राज था, राम राज में क्या जाति व्यवस्था नहीं थी, क्यों नहीं खत्म किया राम ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाता उसी वक्त, महाराज हम लोग को नहीं झेलना होता। तो कहने का अर्थ यह है कि हम उन पर विश्वास इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उस पर हमने विश्वास किया, उन्होंने हमें धोखा दिया। तो बार बार एक ही चीज़ पे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इन लोग जो है हजार बार चढ़ा लिए, तो मैं एक बार फिर से ये काट की हांडी है इसको चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अंतिम बता देता हूँ, लास्ट कंक्लूजन, कि इसका मोटो है कि हर विधानसभा में जाके 5,000-10,000 लोगों का वोट काटना है, जैसे चिराग पासवान का इस्तेमाल बीजेपी ने जदयू के खिलाफ किया था, जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट था वहाँ वहाँ चिराग के कैंडिडेट खड़े थे और सारे बीजेपी वाले चिराग के साथ घूम रहे थे, खड़े थे, उनको वोट दिलवा रहे थे, और सारा बीजेपी कार्यकर्ता उस वक्त चिराग को वोट दिया था और जदयू को कमजोर किया। यहाँ इस बार पीके जो है जहाँ पे जदयू रहेगा वहाँ सारा भाजपा ही पीके करेगा, जहाँ पे ये मजबूत रहेंगे लालू जी रहेंगे, डायरेक्ट फाइट यहाँ पे रहेगी भाजपा के साथ में, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ सारे जो मुस्लिम हैं या फिर जो दलित हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनको रुपया पे पैसा पे भरका के उनका जो 10-20 हज़ार वोट काटने का प्रयास होगा। इनको एक सीट नहीं आना जाना है क्योंकि कोई आइडियोलॉजी तो इनके पास में है नहीं, और ये सिर्फ जो है फिर से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हुए हैं, ये बात समझना पड़ेगा। देखिए ये लोग बहुत महीन जातिवाद करते हैं, ये खुल के आप जातिवाद सवर्ण समाज नहीं करता है, ये आपके साथ जातिवाद कब करेगा, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में और पॉलिटिक्स में इस तरह से करेगा जातिवाद। वो EWS लागू करेगा लेकिन कहेगा कि आपके मुख्यमंत्री, आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो OBC हैं, अमित शाह OBC हैं, बड़े बड़े मंत्री OBC हैं, दलित समाज का हमने बना दिया राष्ट्रपति, ये सामने से दिखाएंगे कि मैं आपके साथ हूँ, पीठ पीछे ही आपका मुँह में राम बगल में छुरी का काम करते हैं, ये भाजपा की पॉलिटिक्स रही है, दिखाएंगे कुछ और उसके पीछे होगा कुछ और, चेहरा के पीछे चेहरा छुपा हुआ है। भाजपा की बीटिंग, बिल्कुल बीटिंग है ही, सब लोग कह रहे हैं है ही, कोई उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, बी टीम रहे नहीं रहे हम उसको क्यों वोट देंगे, अपर कास्ट को बैकवर्ड वोट क्यों करेगा, हजारों साल से अपर कास्ट ने हमको बर्बाद किया, सिंपल सी बात है। हमको तेजस्वी नहीं पसंद है, हमको नीतीश जी नहीं पसंद है, तो हम कोई और बैकवर्ड को ही खड़ा करेंगे, उसको पसंद करेंगे, इसको नहीं पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ रवि मेहता जी थे, आपने सुना पीके को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, धन्यवाद।